व्यूअर, मैं लेके आया एक मोर, तो मैं आप लोगों को मोर दिखाता हूँ जो मैं आज ही लेके आया हूँ। आज मैं बाजार गया था ना, तो वहाँ मुझे एक ना जगह मिली, वहाँ से मैं मोर पकड़ के लाया हूँ। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पॉपुलर का क्या है, एक खेती कास्ट की हुई है। और वो चल। हेलो गाइस, क्या हाल है, उम्मीद करते कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है विक्की भारद्वाज। दोस्तों, मैंने कि जैसे कि आपको एक व्लॉग में वादा किया था कि मैं थोड़ा सा आपको अपने गांव का रहन सहन या अपने गांव का माहौल दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पॉपुलर का क्या है, एक खेती कास्ट की हुई है। और वो नहीं कि चारों तरफ पॉपुलर ही पॉपुलर है, और वो सामने जो है ना सूरज देवता ऊपर आते हुए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं बेला हूँ आज, तो बेला तो क्या करूंगा बेला घर पे, सोचा कि चलो आप लोगों को घुमाता ही हूँ आज। और ये हमारे यहाँ छोटी नहर है, इसको छोटी नहर पता क्या, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने पशु ही होते हैं उनको पानी छानी पिलाते हैं। चलो मैं आपको एक नहर दिखाता हूँ, वहाँ पर हम क्या नहाया करते थे छोटे होते, जब कभी कभी गांव में आया करते हैं ना, तब हम वहाँ पे नहाया करते थे। तो हम क्या बचपन में जब ना गांव में आया करते थे, क्योंकि हम तो रहते थे शहर में थे, क्योंकि हमारे फादर जो थे ना वहाँ क्या जॉब करते थे, उसमें MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, तो हम शहर में रहते थे, कभी कभी गांव में आया करते थे, तो हम नहाया करते। और आप यकीन मानो, मैं खुद इस जगह पे जो है ना आज कम से कम जो है ना 1.5 साल के बाद आया हूँ। तो सोचा बेला हूँ घर पे, क्या करूँगा, चलो आप लोगों को घुमाशमा ही लाता हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो दरिया, पहले दरिया का रूप हुआ करता था, अब साला नहर का रूप छोटा सा ले लिया। तो मैं कहा चलो आप लोगों को आज वही दिखाता हूँ। और ये है मेरे पीछे, वो सामने आ रहा ना जो ये, वो ये यहाँ हमने फटक लगा दिया अब, क्योंकि मैं खुद 1.5-2 साल बाद आया हूँ, मेरे को क्या घंटा पता होगा इसका। ये देखो, ये दरिया जो है ना, पहले ये काफी फैला होता था, अब लोगों ने मिट्टी डाल डूल के ना यहाँ पर क्या कर लिया हुआ है, ये पेड़ लगा दिए हुए हैं। ये देखो काफी था, और वो सामने जो है ना ये फाटक सा बन गया हुआ है यार, अब पहले ऐसा नहीं था। ये देखो, ये सामने ये जो फाटक बना दिया हुआ, शायद वो किसी की, वो खुद की लैंड है ना। ये देखो, ये सामने फाटक बन गया हुआ, अब पहले नहीं था ये। तो मैं हम यहाँ पर क्या अक्सर यहाँ पर बैठ के ना, ये ऐसे पीछे, हाँ, यहाँ से हम जो है ना छलांगे लगाया करते थे, ये जो है ना यहाँ से वो सीधा नीचे छलांगे लगाया था। अब तो पानी बड़ा कम हो गया, पहले पानी बड़ा हुआ करता था इसमें। ओके, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता हूँ आज। तो बेले थे क्या कर रहा घर में, हाँ मक्खियाँ मार रहे थे जनानी, शेरी खाना था। तो सोचा कि चलो अब चलते हैं, अब घर में रहो ना, तो बीवी पता क्या करती है, अलग अलग डिमांडें डालती है, कभी बोलती है ये ला दो, कभी बोलती है ये ला दो। और ब्याह भरा जो बंदा ना, उसका सबसे अच्छा हल पता क्या, बीवी के पास जितना हो सके कम बैठो, अगर ज़्यादा बीवी के पास बैठोगे तो सरखपाई करेगी, सरखपाई करेगी तो कोई ना कोई चीज़ की डिमांड करेगी, अगर डिमांड आपने पूरी नहीं की तो फिर ज़्यादा सरखपाई करेगी, काम उसका सरखपाई करना है बस, चाहे उसके पास बैठो चाहे ना बैठो। अभी जो मैं वीडियो बनाने आ रहा हूँ, 2 बार फोन आ गया बीच में, कहाँ हूँ। अब बंदा पूछे मैं श्रीलंका में चल गया हूँ, इधर ही हूँ ना, बता के आया हूँ कि मैं आ रहा हूँ घूम फिर के आ रहा हूँ, इसके बावजूद बोल रही है कहाँ हूँ बताओ। अब बंदा पूछे भी चलो भाई श्रीलंका की फ्लाइट लेके मैं निकल गया हूँ, जब मैं कतर चले गया हूँ वहाँ पे वर्ल्ड कप वहाँ शुरू हो रहा है, फुटबॉल का फीफा का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो मैं फीफा का वर्ल्ड कप देखने के लिए वहाँ चल गया हूँ। बताओ जनानी ऐसे सर खाती हैं। और ये गद्दे किसी ने फेंके हुए हैं अपने पुराने गद्दे जो है ना, इसको ना जंक यार्ड बनाया हुआ गाँव वालों ने, जो निकालते हैं यहाँ फेंक देते हैं, जो निकालते हैं यहाँ फेंक देते हैं। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा ना बीवियों से दूर रहा करो, अपना दिमाग फ्रेश रहेगा, ज्यादा बीवी के पास बैठो तो दिमाग या पट्टा बैठ जाएगा, इसलिए मैं बीवी के पास जो है ना कम बैठता हूँ। तो इसलिए जो है ना बीवी के पास जो है ना कम बैठा करो थोड़ा। तो चलो सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता हूँ, मैंने शेयर कर दिया, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा ये मोल। मेरे को उम्मीद था कि अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि गाँव का मोल जो है ना शुद्ध होता है, तो आपको अच्छा ही लगा होगा ना, अच्छा लगा ना। चलो ठीक है, फिर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और शेयर कर देना यार, फेसबुक पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, अपने यारों दोस्तों के साथ करो, उनका भी मूड थोड़ा सही हो यार, मेरे को सांस चढ़ गई है देखो, उनका भी थोड़ा। वो ये क्या, ये देखो ये पता क्या घोड़े ने लिदकी हुई है, और क्या आप भी यार दिमाग लगाते, दूर से देख रहे हो गुलाब जामुन हमारे काले काले यार, जमीन के ऊपर थोड़ी काले काले गुलाब जामुन पड़े होंगे, ये घोड़े की लिद है। A few moments later. व्यूअर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक बेरी है, और इसमें ना बेर लगे हुए हैं, इस साइड पे जाओ ना, इसके आगे इस साइड पे जाओ तो बाढ़ साहब गुरुद्वारा है। तो मैं बाढ़ साहब गुरुद्वारे से जब मैं आता हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ ये किनारे किनारे जो है ना ये काफी बेरियां हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज बेर तोड़ते हैं इससे, मैंने वो बाइक खड़ी की सामने, तो मैंने कहा चलो बेर तोड़ता हूँ यहाँ से आगे। तो ये देखो इसके अंदर बेर है, ये बेरी ना, इसमें बेर बड़े मीठे पके हुए बेर हैं, ये देखो पक्के हुए बेर हैं ये, मगर चलो थोड़े से बेर तोड़ता हूँ।
ये सामने बेरी है, एक वो उधर बेरी है, तो मैं यहाँ से बेर तोड़ता हूँ और बेर खाता हूँ। देखो कितने पक्के बेर हैं, ये देखो। और इसके साथ साथ ये नहर का नज़ारा, वो मेन हाईवे है, मेन हाईवे वो सामने अमरपला कॉलेज, और ये अंदर को रास्ता वो सामने बाड़ साहब गुरुद्वारा। बाड़ साहब गुरुद्वारे के ना बिल्कुल साथ में जो रोड जाता ना अमरपला से निकल के, उसके आस पास बड़ी बेरियाँ, एक नहीं दो नहीं, बड़ी है। A few moments later. तू बड़ा टोपियाँ बाबा को मंडे आज हैं, तेनु की गल ही है, हैं? बड़ी टोपी छोपी पाई हो, बड़ी टोपी छोपी पाए, इधर आ दे, किधर आ दे टोपियाँ पा के, हैं? तालो दे, दो दा, वो दशु वाल दिखा दिया, दशु ए तीगू, ओ तामले दशु, ए तीगू, ओ तामले दादू। चल, बैल, चल चल, या, कम ऑन, हमारा काका तोड़ना शुरू हो गया, या, तोड़ता साला टेटर टा, या, तब फिर से फिर से फिर से, या, अभी इसको तोड़ना सिखा रहा हूँ ना, बाद में जब हम बूढ़े आएंगे पता क्या बोलेगा, ये कितना साढ़े अस्ते, ये से बोलेगा, है ना? मगर हमारे यहाँ पे ना गुडियाँ छुटियाँ उड़नी शुरू हो गई हैं, गुडियाँ छुटियाँ समझते हैं ना जो, वो काइट काइट, अभी जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी ना वैसे वैसे गुडियाँ छुटियाँ ज़्यादा उड़ेंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो सामने जो गुडियाँ उड़ रही हैं ना, दो गुडियाँ वहाँ उड़ रही हैं और एक गुड्डी जो है ना हमारे यहाँ पे जो है ना वो अटकी हुई है, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो सामने वो देख रहे, वो सामने वो, इसका मतलब अब गुडियाँ छुटियाँ का सीजन आ गया ना, अब देखना बच्चे कैसे ऊपर चढ़ के पिक्चर लगाएंगे। एक ये उड़ी है, नहीं एक ये उड़ी है, ये देखो अब पेचे शीचे लगेंगे लोग जो छोर, अब पेचे शीचे लगेंगे लोग जो हल्ला गुल्ला करेंगे, देखना फिर बोलेंगे आपके उधर भी क्या बोलते हैं, जब गुड्डी कट जाती है आपके उधर क्या बोलते हैं, आई बो हमारे इधर तो बोलते हैं आई बो, आपके उधर क्या बोलते हैं बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोग ना आजकल कमेंटमेंट बहुत कम कर रहे हो यार, कमेंटमेंट करो और जो कमेंटमेंट ठोको अच्छी तरह से। व्यूअर मैं लेके आया एक मोर, तो मैं आप लोगों को मोर दिखाता हूँ जो मैं आज ही लेके आया हूँ। आज मैं बाजार गया था ना, तो वहाँ मुझे एक ना जगह मिली, वहाँ से मैं मोर पकड़ के लाया हूँ, दिखाऊँ? चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अंदर मैंने मोर रखा, वो अंदर मैं रख के आया हूँ मोर, उसको रस्सी बांधी हुई है, तो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ मोर, लाता हूँ रुको। ये लाया मैं मोर, अरे का खोपड़ी तोड़ दे, ये पता क्या, ये खिलौना आता है बच्चों के खेलने के लिए। ये वाला मोर लाया मैं, देखो इसमें ना हवा भरी हुई है, ये गुब्बारे टाइप होता है, ये देखो हवा भरी हुई है, लग रहा ना जैसे असली का मोर हो। ये मैं अपने छोटे काके के लिए खेलने के लिए लाया मोर। हम आज बाड़ साहब गुरुद्वारे में गए थे ना, बाड़ साहब गुरुद्वारे में पता है क्या, ये वहाँ खिलौने देख कर ना मच्छर पड़ा, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, तो इसलिए ये फिर मैंने मोर लेके दिया इसको। पहले ना वो लेके दिया हुआ था, क्या कहते हैं उसको, डोरेमोन, इसके मामू आया था ना पहले, उसने इसको लेके दिया था डोरेमोन 20 रुपये वाला, गजब बेइज्जती है, तो वो इसने फाड़ दिया। अब मैं लेके आया इसके लिए मोर, तो ये मोर से ना इसमें हवा भर दो तो ये ऐसे खेलता रहेगा बस, ऐसे ये ऐसे, इसको मैंने ना ऊपर उसके ऊपर लगाया हुआ था, क्या कहते हैं उसको, पंखे के ऊपर ऐसे लटकाया हुआ था उल्टा, वो क्लिप भी मैं आपको ना साथ में डाल देता हूँ, देखना पंखे के ऊपर ऐसे लटका हुआ लग रहा ना जैसे ओरिजिनल मोर होता है, तो ये मैं अपने उसके कुकड़े के लिए लेके आया हूँ। आप लोगों ने क्या सोचा कि मैं दूसरा मोर ले गया ओरिजिनल, बड़ा हरामी हो बेटा, ओरिजिनल मोर कहाँ से लेके आऊँगा यार, ये वाला ला चिकू ले चिजी ले चिजी ले आओ 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 कदे 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 ले ले ये पकड़, यहाँ से पकड़ना, यहाँ से पकड़, वेरी गुड, अब इसकी तो बस, अब इसके मगर मगर है ना, ये ले पकड़, यहाँ से पकड़, हाँ अब छोड़ना नहीं है ना, अब मोर को छोड़ना नहीं है, बस फाड़ देना बस, है ना, मोड़ के जाके लिए गड़ा है, मोड़ के जाके लिए गड़ा है, मोड़ के जाके लिए गड़ा है, केले 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 या मिट्टू मिट्टू छोड़ दो इसको, तोड़ना नहीं इसके साथ खेलना है, ठीक है। ये जो गंद पड़ा हुआ ना सारा का सारा, ये हमारे कुत्ते के कपड़े हैं, अंदर जो है ना पेंट का काम लगा हुआ ना, तो पेंट के काम लगने की वजह से जो अंदर का सारा का सामान है ना उसको निकाल के बाहर रखा हुआ, अभी पेंट कर रहे हैं। ये देखो ये गेट भी, ये अभी ये
यहाँ पर जो है ना पेंट गिर गया हुआ है, ये पहले सारा ब्राउन था, अब यहाँ ब्राउन और ब्लैक दो कलर किए हैं। अब जैसे जैसे नीचे फ्लोर जो खाली होता जाएगा ना, कमरे खाली होते जाएंगे, वैसे वैसे सामान सेट करते जाएंगे, बड़ा खलारा पड़ा हुआ है। पेंट जो होता है ना, पेंट का खलारा बड़ा होता है, सारा पेंट जो है ना हो रहा है। नीचे जो है ना दिवाली का पेंट का काम लगा हुआ, अभी तक पेंट का काम ही नहीं खत्म हुआ। पता नहीं क्या कर रहे हैं घर वाले, इतना पेंट पेंट ही कर ही आ रहे हैं डेली। कभी सीढ़ियाँ पेंट करते हैं, कभी कुछ पेंट करते हैं, कभी गमले पेंट करते हैं, कभी छत पेंट करते हैं, बस पेंट पेंट ही हो जा रहा हमारे घर में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनका भी थोड़ा मोल चोल बने, वो भी अपने टेंशनों से थोड़ा मोटा बाहर आए यार, ठीक है। अपने दोस्तों का इतना भी सोचा करो, और जो मेरा आगे आने वाले व्लॉग है ना उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाल बटन दबाना, फ्री में है यार, कोई पैसा नहीं मांगता। और मेरा जो मेन फोकस है ना अब की आगे की आने वाली जो वीडियो में, वो पता क्या, फूड ब्लॉगिंग के ऊपर है। और मैं इतना खर्चा करता हूँ यार, खाने वाने खाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या टेस्ट है इंडिया में चल रहा है आजकल, पंजाब में, इंडिया में। जैसे जैसे चैनल बड़ा होगा हम बाहर भी जाएंगे, बाहर के भी खाने खाएंगे यार। तो आप सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मैं ऐसा नहीं यार थोड़ा बहुत फ्री में भी खा लेता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे से नहीं भी पैसे लेते, फिर क्या होगा, आपका भाई हूँ, फ्री में खा लूंगा तो क्या हो गया यार थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आज तक की वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।